नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपको बताऊं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जब से महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह को निलंबित किया, सस्पेंड किया है, तब से पूरी तरीके से परमवीर सिंह जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अब किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को और ये पूरा वसूली कांड को एक्सपोज करी जाए। अभी सीबीआई के सामने जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है, जो सवालों के जवाब जो सामने आए हैं, जिस तरीके से परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है, उसमें परमवीर सिंह ने जो बात कही है, एक अंदर से गुस्साते हुए बौखलाते हुए ये बात कही है कि मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। और ये खुलासा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि सचिन वजे और किस तरीके से परमवीर सिंह दोनों मिल करके क्या क्या खिचड़ी पकाते थे, वो सारी चीजें निकल करके सामने आ चुकी है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जिस तरीके से आपको बताऊं कि किस तरीके से एसएसआर के मामले में भी अब खबरें आ रही है कि ये परमवीर सिंह ने वसूली करी है, लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, मैं आपको बात करेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कोई भी इंसान जॉब को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत एक कर देता है, लेकिन उसी पद से अगर उसको हटा दिया जाए तो उसके अंदर एक खुन्नस आ जाता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है और मुझे इस सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देना है। यहां पे परमवीर सिंह के साथ भी वही हो रहा है, पूरी तरीके से परमवीर सिंह अब अंदर से बौखलाए हुए हैं और ये डर पूरी तरीके से उद्धव सरकार को है कि कहीं परमवीर सिंह जो है वो कहीं अपना मुंह ना खोल दे, इसके लिए अब साजिश चल रही है। ऐसा परमवीर सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार है वो पूरी साजिश कर रही है। इस पर बौखलाते हुए परमवीर सिंह ने कहा है कि अब मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मैं तो चाहता हूं कि परमवीर सिंह जो हैं वो खुलासा करें और पूरा देश और दुनिया इनको सपोर्ट करेगा। और खुलासे में एसएसआर का मामला सबसे पहला मामला है, इस पे जरूर खुलासा कीजिएगा परमवीर सिंह, क्योंकि उस वक्त आप पुलिस कमिश्नर थे महाराष्ट्र के और क्योंकि आपके अंडर में ही उस वक्त देश का सबसे बड़ा केस आपके पास था और आप पूरी तरीके से उस केस को हैंडल कर रहे थे। और मैं चाहूंगा कि पूरे देश और दुनिया की सेंटीमेंट को समझिए, अगर आप कुछ जानते हैं तो पूरे देश और दुनिया को बताएं कि इस सार के सत्य क्या है। और लेकिन यहां पे आपको बताऊं कि परमवीर सिंह और सचिन वजे की जो सीक्रेट गुप्त मुलाकात है, जो चांदीवाल आयोग में एक बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई है, उस बीच में क्या दोनों की बात हुई है, उस पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने पूरी तरीके से यह ऐलान कर दिया और यह कह दिया कि हेमंत नगरालय को यह जांच सौंप दी गई है कि इसमें परमवीर सिंह और सचिन वजे की बीच की मुलाकात में क्या गुप्त मीटिंग हुई है और क्या बात हुई है, क्या खिचड़ी पकी है, क्या कोई पुराना केस है जिसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्या दोनों मिलकर के कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सवाल जो है वो अब कहीं ना कहीं उठ रहा है। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अपने पद से सस्पेंड हो जाने के कारण ये बात कही कि मैं कुछ खुलासा करने वाला हूं, तो अब चार्जशीट में जो बात सामने आई है, जो परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है, उसमें अब सचिन वजे ने भेद खोलने शुरू कर दिए। सचिन वजे ने एक ऐसा कोड नेम परमवीर सिंह को कह के बुलाता था, एक नंबर कोड से परमवीर सिंह को बुलाता था। और कहीं ना कहीं खुलासे में यह भी आया कि सचिन वजे जितना भी पैसे वसूली करता था, चाहे वो रेस्टोरेंट से हो, बार से हो, चाहे वो किसी भरे बिजनेसमैन से हो, उसका 75% जो है वो पैसा परमवीर सिंह रखता था। यह अभी की सबसे ब्रेकिंग और बड़ी खबर मैं आप लोगों के बीच में बताता हूं। देश का वही बड़ा पुलिस कमिश्नर जो कि पूरी तरीके से अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए ना जाने अपनी एरी चोटी एक लगा दी, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता अभिनेता से जाकर के मुलाकात करके अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कोशिश करी, आज देखिए कि इस इंसान की पूरी काली चिट्ठी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और किसी ने सोचा नहीं था कि ये महाराष्ट्र का आईपीएस ऑफिसर इस तरह का कुकर्म कर सकता है और इस तरह की वसूली कर सकता है, जिससे कि पूरा अब कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसएसआर के मामले में भी उस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव थे परमवीर सिंह, तो हो सकता है कि जो खुलासा करने वाले हैं वो परमवीर सिंह एसएसआर के मामले में भी कर दें, तो शायद हो सकता है कि इनके लिए कुछ
अच्छी बात हो सके इनके आने वाले भविष्य में। अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े जो हैं वो एसएसआर के मामले में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे और उसी के वक्त से ड्रग्स का मामला आया, लेकिन इसी बीच में मोहित कंबोज ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और फिर से एक बार आवाज उठा दी है कि एक एसआईटी टीम गठन करी गई थी मुंबई पुलिस के तरफ से और उसमें समीर वानखेड़े जो कि वसूली के आरोप लगे थे 25 करोड़ रुपए के, तो वो एसआईटी टीम का क्या निर्णय आया, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, ये जरूर बताएं। ये पूरी तरीके से मुंबई एसआईटी टीम को एक बार फिर से मोहित कंबोज ने निशाना साधा है और फिर एक बार और ट्वीट करके कहा है कि आप लोग जो ये कहते हैं कि 2 ग्राम 3 ग्राम चरस गांजा और ड्रग्स पकड़ाया है, उनसे जाकर के पूछिए जिनके घर का चिराग वो पूरी तरीके से बुझ चुका है यही 2-3 ग्राम ड्रग्स और चरस गांजा से। वी वांट ड्रग्स फ्री इंडिया, ये पूरी तरीके से नारा है पूरे देश और दुनिया का। आने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से ड्रग्स मुक्त हो भारत। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे ने भी बहुत बड़ी बड़ी बात कह दिया, उन्होंने तो ऐसा ऐसा खुलासा किया है जिससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी हिल रही है। उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि एसएसआर की जो मौत हुई है वो बाथरूम में इनको मारा गया है और इसमें मुख्यमंत्री का बेटा है, ये पूरी तरीके से इन्होंने दावा कर दिया और उन्होंने नाम नहीं लिया। हालांकि ये कभी नाम नहीं लेते हैं, बस इशारों इशारों में ही बात करते हैं और ये सीधा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि सीबीआई अगर मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। और कहने का मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आरोप लगाने से नहीं होगा, सीबीआई के सामने जाकर के अपनी बातें रखनी होंगी और पूरी सत्यता से अपनी बात को रख के प्रदेश और दुनिया को बताना होगा। परमवीर सिंह अब अपने जाल में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो जाल खुद बनाए थे मकड़ी का जाल, वो खुद अपने जाल में फंसते हुए पूरी तरीके से उसमें बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसी गड्ढे में जाकर के हम खुद गिरेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरे केस को पूरा केस को बदलने की और पलटने की कोशिश करी थी एसएसआर के मामले में, आज वो खुद इस केस में पूरी तरीके से वसूली कांड में पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। यहां पे एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी आरोप इनके ऊपर लगा दिया था कि परमवीर सिंह और सचिन वजन ने मिलकर कहीं एंटीलिया केस को अंजाम दिया था। तो सोच लीजिए कि किस तरीके से परमवीर सिंह का जो खाला चिट्ठा है वो निकल करके सामने आ रहा है और ये बयान सोच लीजिए कि कितनी शर्मनाक है। परमवीर सिंह ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि मेरे जान को खतरा है, मुंबई पुलिस से मुझे खतरा है। ये अभी के सबसे ब्रेकिंग और बड़ी लेटेस्ट बयान मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे गलत केस में फंसा करके मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी करी जाएगी। परमवीर सिंह ने उसी महाराष्ट्र पुलिस में काम किया था और आज देख लीजिए कि उसी महाराष्ट्र पुलिस से इनको डर लग रहा है। ये कौन सी सरकार है और ये कौन सी राजनीति है? ये कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र सरकार को भी डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार तो पिछले साल से पूरी तरीके से डिफेम हो चुकी है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।